कि एम्बुलेंस तिहाड़ से उपाध्याय अस्पताल पहुंचेगा। तिहाड़ से जब ये एम्बुलेंस निकला, चारों दोषियों के शवों को लेकर, तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी राहुल वहां पर मौजूद हैं। राहुल, जहां पर आपकी मौजूदगी, किस तरीके की हलचल? तिहाड़ से एम्बुलेंस रवाना हो चुकी है। देखिए, फिलहाल एकाएक हलचल सी बड़ी थी, उसी दौरान जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से दो एम्बुलेंस में लेके गया, जिसको एस्कॉर्ट पुलिस ने किया था। फिर लोकल पुलिस के जो ACP थे वो उनको गार्ड करते हुए आगे निकले। यानी जो तस्वीर है फिलहाल यहाँ पे, ये मूवमेंट आप देखें, यहाँ पे जो CRP और पुलिस के जवान थे अब फिलहाल हल्का कर रहे हैं रूट को, क्योंकि उन्हें पता है कि डेड बॉडीज जा चुकी हैं। और अभी कुछ ही समय पहले जो डेड बॉडीज गई हैं यहाँ से, सीधा अस्पताल पहुँचेंगी और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन जो जेल के आसपास का जो तस्वीर है इस वक्त, फिलहाल यही है कि पुलिस बैरिकेडिंग अब यहाँ से हटाने लग रही है। काफी संख्या में लोग पहुंच चुके थे और यहाँ से अच्छा बड़ी खबर आ रही है। राहुल, रोक रही हूँ, डेड बॉडीज अस्पताल पहुंच गई है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विमल, सीधा आपके पास तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए हॉस्पिटल के बाहर आपको मैं दिखाऊंगा ये वीडियो का किस तरह से जमा हुआ, और अंदर अभी पहुंची है दो एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं, जिनमें चारों जो दोषी हैं उनके शव यहां पर पहुंचे, चारों की बॉडीज यहां पर पहुंच गई हैं। देखिए, अंदर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि जिस तरीके से तिहाड़ के बाहर भी सुबह भीड़ जुटी थी, यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा है, जिसको देखते हुए पुलिस भी अच्छी खासी संख्या में यहां पर बनी हुई है। और फिलहाल यहाँ पर चारों शव पहुंच चुके हैं और उसके बाद कुछ ही देर में पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, और इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। और जेल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि उसके बाद तमाम शवों को उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल ये कैब से कुछ देर पहले ये तिहाड़ से जो पूरी डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया है, पंचनामा वगैरह करके। विमल, ये बताइए, क्या दोषियों के परिवार वाले भी अस्पताल में ही है, यहीं पर मौजूद हैं शव लेने के लिए पोस्टमार्टम के बाद? देखिए, क्योंकि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जानकारी यही आ रही है निकलकर के अंदर उनके परिजन, चारों जो दोषी हैं उनके परिजन अंदर मौजूद हैं, लेकिन ना तो उनकी किसी से बात हो पाई है, क्योंकि बड़ी संख्या में अंदर पुलिस मौजूद है, बैरिकेडिंग की हुई है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, आपसे कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो लोकल पुलिस स्टेशन है हरिनगर थाना, उसके पुलिस का स्टाफ इन चारों शवों को लेकर यहाँ पहुंचा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वो गेट है जो मोर्चरी तक जाता है, इस गेट को बंद किया गया है। इसके अलावा वहां पर भी दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। दोनों जो एम्बुलेंस में शव थे वो अंदर भेजे गए हैं और शवों को निकालकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। और फिलहाल यही है कि परिवार के लोग अंदर मौजूद है, लेकिन फिलहाल किसी की अभी उनसे बात नहीं हो पाई है।